हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। पिछली वीडियो थी मेरी कि आप बेसिकली सिविल इंजीनियर और बीआर का मैंने डिफरेंस बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी कि आप जेईई मेन पेपर 2 और नाटा क्यों दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आज आपके कुछ कॉमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, जो कमेंट्स मेरे को लगा था कि हाँ इस कमेंट्स पे वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानना है, अगर वो नाटा जेईई मेन पेपर 2021 दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हु इज़ ईजी, मतलब नाटा और जेईई मेन में कौन सा ईजी है। तो मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो मेरे नज़र में दोनों ही ईजी हैं। अगर ईजी लोकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, एज अ फ्रेंड, अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि मैथ होता है वहाँ पे 25% मैथ होता है, बाकी 75% होता है जनरल एम्पलीट्यूड और ड्राइंग। तो अगर इजी वही पूछता है जिसको लगता है कि हाँ मेरा मैथ सही, अगर तेरा मैथ सही नहीं है तो अगर तू मैथ को साइड भी रखता है तो बेसिकली बचते 75% सिलेबस, जिसमें होते हैं जनरल एम्पलीट्यूड और 25% होते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग अगर तेरा थोड़ा भी अच्छा है जेईई मेन में, मतलब कि ड्राइंग तू किसी को दिखा सकता है, अच्छा तो सब कर लेते हैं ड्राइंग तो एक छोटा बच्चा भी करता है, पैदा होता है ड्राइंग करता है, लेकिन वो ड्राइंग जो तू किसी को दिखा सकता है कि हाँ भाई देख मैंने ये बनाया है, तो वो ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइंग है 25%, बाकी बचा 50% जनरल एंड एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए दो बुक आते हैं, दो से तीन बुक आते हैं, कुछ न्यूज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी गूगल से कि कौन सा अवार्ड किसको कब मिला है, कौन से आर्किटेक्ट ने लोटस टेम्पल ये वगैरह जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं किस आर्किटेक्ट ने कब डिज़ाइन किया था, ये होती है बेसिक क्वेश्चंस। और कुछ टॉप व्यू, बॉटम व्यू, कुछ रीजनिंग टाइप के पूछते हैं कि वो आपका ब्रेन चेक करते हैं कि आपका ब्रेन कितना फोकस है और आप आर्किटेक्चर के बारे में कितना जानते हैं, आप आर्किटेक्चर के लिए कितना एग्रेसिव है, क्योंकि आर्किटेक्चर करने का मतलब है कि अपने रात की नींद हराम करना। नहीं पता तो गूगल देख ले भाई, गूगल में लिखा पड़ा है, बहुत सारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे रात की नींद हराम करने वाली। तो बेसिकली जेईई मेन के बारे में आपको समझ में आ गया कि जेईई मेन 25% 75% और 25 ड्राइंग है और 50% आपका जनरल एम्पलीट्यूड है, जिसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि टॉप व्यू बॉटम व्यू, सिलेबस मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मेरे नज़र से अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो वो आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नाटा पे। 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, इसमें तो 20% साइड करो मैथ, 10% के फिजिक्स केमिस्ट्री जो ऐड किया गया है 2020 से पिछले साल से 10% ड्राइंग 10% सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड किया गया, उसको भी साइड करो, हो गए टोटल 30%। अब आते हैं 70% में, जिसमें 70% में इन द बल्क आपको देखा जाए तो 40-45% जनरल एम्पलीट्यूड है, बाकी 25%, ठीक है, 120 के इधर 80 के उधर, ठीक है। तो इसको करते हैं, अगर हम इस बार का वाउचर आया नहीं है तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्या प्रोसेस है, मतलब कितने नंबर का क्या आएगा, जैसे ही वाउचर आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर का क्या है, आपको क्या पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं अब, सही बात, वो मेरे फ़ायदे की बात थी, ये आपके फ़ायदे की है। तो आप अगर ये जनरल एम्पलीट्यूड वाला करते हैं तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, दोनों में एक ही चीज़ें पूछती है। इसमें आर्किटेक्चर बायोग्राफी, आर्किटेक्ट्स के बायोग्राफी और आर्किटेक्चर न्यूज़ के बारे में ज़्यादा पूछता है नाटा में, अगर आप ये देखेंगे, और टॉप व्यू बॉटम व्यू यही सब पूछता है जनरल एम्पलीट्यूड इसमें भी। और इसकी ड्राइंग अगर 19-20 सुने होंगे बचपन से, 19-20, तो ये 19-20 का ही फ़र्क है उसके ड्राइंग जेईई मेन पेपर 2 में और नाटा में। अगर नाटा आप कर रहे हैं तो मतलब पिछले सालों की बात करें तो बहुत हार्ड ड्राइंग्स थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी लेवल अपना मैनेज कर रहा है और मिनिमम ड्राइंग पे भी लोगों को ले रहा है। आप अगर सोच रहे हो आर्किटेक्चर एडमिशन के बाद भी आपको सिर्फ ड्राइंग करनी होगी तो ये नहीं है, बहुत सारी सीटें होती है,
तो बेसिकली जो ड्राइंग्स आपके देखे जाएंगे वो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ वगैरह देखेंगे, बर्ड आई व्यू, वर्म व्यू, बहुत सारे होते हैं। मैं बताऊंगा, मेरा एक फ्रेंड है उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैं उससे कुछ आपको बताऊंगा, उसको बुलाऊंगा और उससे सिखवाऊंगा आपको ड्राइंग। या मैं खुद भी, मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन मैं अपने को उतना अच्छा नहीं कहता कि मैं हाँ एकदम अच्छा हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैं उससे मिलवाऊंगा आपको और उससे सिखवाऊंगा ड्राइंग, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, क्योंकि आगे वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप मैथ फिजिक्स को साइड भी करते हैं तो कितना बचा, बस इतना 75 तो इधर ही है भाई, ड्राइंग और जनरल एम्पलीट्यूड जो हल्का है। अगर आप 60 नंबर ले आ रहे हैं 200 में तो आप तो क्वालिफाई कर गए, नाटा क्वालिफाई कर गए, कोई ना कोई कॉलेज में तो सीट खाली ही है आपके लिए, तो आपसे हो ही जाएगा। अगर आप टॉप कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ जेई मेन पेपर दें और नाटा दोनों दें, क्योंकि टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस जो हैं वो आपको नाटा से मिलेंगे और जेई मेन पेपर 2 से भी मिलेंगे। जेई मेन पेपर 2 से आपको सिर्फ NIT कॉलेज मिलेंगे, NIT के टॉप कॉलेजेस और गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, जो कि 6-7-8 ही हैं, ठीक है। उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप नाटा दे के रखेंगे तो इसमें भी आपको सर जे कॉलेजेस जैसे कॉलेजेस मिलेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नंबर ला रहे हैं, जैसे कि 187 वगैरह, 87 तो नहीं हो पाएगा, 87 और 67 इस लेवल में ला रहे हैं, तो आपको DY पाटिल्स वगैरह अच्छे कॉलेजेस महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ईजी मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं ईजी दोनों को कह रहा हूँ, दोनों ईजी हैं। अगर बजट का प्रॉब्लम है तो जेई मेन पेपर 2 दे दो यार, अगर थोड़ा बजट है कि हाँ देना है, आर्किटेक्चर करना है तो नाटा भी दो और शुरू वाला एग्ज़ाम दो, क्योंकि सीट्स बुक हो जाते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज। लेकिन जब काउंसलिंग की बात आती है तो बेसिकली जेई मेन में जैसे काउंसलिंग होता है वैसे ही होता है, लेकिन जब नाटा से तुम काउंसलिंग करने जाओगे तो हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, तो हर स्टेट पे तेरे को काउंसलिंग करनी पड़ेगी अपनी, और प्राइवेट कॉलेजेस में तो एक कॉल घुमाओगे हो जाएगी, वह ले लेगा वो तुम्हें, लेकिन इस कॉलेजेस में जाने के लिए तुम्हें और मतलब बढ़िया कॉलेज में, जैसे कि छोटू राम कॉलेजेस हैं, उसके फीस बहुत कम है, 36 है, सॉरी नाम ले रहा हूँ मैं, कॉलेजेस के नाम अभी नहीं लेना चाहता। तो इस सब कॉलेजेस में जाने के लिए तुमको हरियाणा बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड का एक काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन होगा। तो ये कोई ईजी नहीं है, बस डाल दो दोनों पेपर, मैं तो यही कहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।